नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में एक रेगुलर बेसिस पर क्लास रनिंग में है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, उसके बारे में डिटेल आपको बता दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही हमारा UGC नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी संबंधित है ऑनलाइन क्लास, और उससे संबंधित अगर आपको मटेरियल आपको चाहिए तो आप वो भी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दिन भर में मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। एक हमारा सोशियोलॉजी से संबंधित होते हैं क्वेश्चंस और उसकी रिलेटेड व्याख्याएं, जो हमारा ऑनलाइन क्लास सुबह चला रहता है उसी को हम रिलेट करके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा UGC नेट का क्वेश्चंस पेपर और उसकी व्याख्या मैं आपको शाम की वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, और वो वीडियो आपके अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के चल रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑलरेडी मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ सोशियोलॉजी की भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अपनी इसके साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आपके जो भी ग्रुप होगा, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम, आप अदर जगह पे भी इसे आप क्या करिए, शेयर करिए। आइए हम चलते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इस वीडियो पर देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं मॉर्निंग में आज यूनिट 10 आज स्टार्ट किया था, और यूनिट 10 स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक आइडेंटिटी पढ़ा था, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चर के बारे में पढ़ा था कुछ, और उसके साथ साथ ही साथ हम लोगों ने संस्कृति पर्यावरण, संस्कृति के अदर अदर जो पार्ट हैं, संस्कृति पर्यावरण, संस्कृति खेलकूद, संस्कृति के साथ साथ हम वहाँ पे एक कहेंगे कि राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। आइए हम उससे संबंधित कुछ देखते हैं। क्वेश्चन है, संस्कृति में सम्मिलित है, संस्कृति होता क्या है एक्चुअल में। अगर आप देखा जाए, संस्कृति संस्कृत से बना हुआ है शब्द से। संस्कृति होता है सीखना नहीं, मतलब कि अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है। एक प्रकार क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। मनुष्य ने जन्म से लेकर आज जिस स्वरूप में स्वरूप पे पहुंचा है, वहां तक की अवस्था में जिन कार्य व्यवहारों को, विचार व्यवहारों को उन्होंने सीखा है व्यक्ति ने, वो उसकी क्या है, संस्कृति। यानी अब तक का जो सीखा हुआ व्यक्ति का व्यवहार होता है वो उसकी क्या होती है, संस्कृति होती है। ओके, संस्कृति में क्या क्या शामिल है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति प्रतीक इसमें ये भी शामिल है। इसके साथ ही देखिए, मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे नहीं है, आई थिंक हमें लगता है मैं भूल गया सेकेंड वाला, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्या दिक्कत। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था परंपराएं, सी है ज्ञान और डी है सभी। ओके, अब ये ओके पूरा क्वेश्चन। अब संस्कृति में सम्मिलित क्या होता है, तो पहली बात, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के दो स्वरूप होते हैं मुख्यतः, भौतिक और अभौतिक। भौतिक यानी जो मूर्त रूप में दिखाई देते हैं स्वरूप, वो आपके आपके भौतिक स्वरूप में आते हैं। जो अमूर्त होते हैं, जो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देने वाला, वो होता है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का डिवीजन मेनली हमारे अकबर महोदय ने किया था। अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1936 में लिखा था, जिसमें इन्होंने भौतिक स्वरूप और अभौतिक संस्कृति को क्या किया था, डिवाइड किया था, राइट। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक ये प्रतीक इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ये भी सही होगा। दूसरा परंपराएं, हमारे मैंने बताया कि सीखा हुआ व्यवहार, व्यवहार में हमारी परंपरा भी क्या होती है, साथ में जुड़े होते हैं हमारे मूल्य प्रतिमान, हमारे परंपरागत कानून, प्रथाएं आदि से संबंधित जो भी है, सब कुछ इसके सामने का संस्कृति। इसके साथ ही हमारा ज्ञान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है, ध्यान सुनिएगा, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है जो उद्देश्य पूर्ण क्रियाओं की एक संगठित, इसके साथ ही उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। संस्कृति को आवश्यकता पूर्ति का साधन किसने माना है, मेनली आपको बताना चाहूंगा, तो हमारे प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री,
कार्यात्मक समाजशास्त्र में मेनली तीन लोग आते हैं, तीन लोग ध्यान आते हैं, ध्यान सुनिएगा, वैसे दो लोग कंपैरेटिव में आते हैं लेकिन तीन लोग को लिया जाएगा। हमारे दुर्खी महोदय प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री, दुर्खी महोदय इसके साथ साथ रेडक्लिफ ब्राउन और इसके साथ ही मैलिनोस्की। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री में केवल केवल मेरे बताने का उद्देश्य इनका ये है कि ये तुलनात्मक रूप में एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए मैं तीनों बताया। इसके अलावा भी और भी हैं लेकिन इनको तुलना में इनको तीन को ही नाम दिया जाता है। उनमें से जो संस्कृति को मानव आवश्यकता की पूर्ति का साधन माना है या प्रकार को जिसने व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में प्रकार को व्यक्ति से तुलनात्मक रूप में दिया है, अध्ययन किया है, वो हमारे कौन से मैलिनोस्की महोदय है। राइट, ध्यान सुनिएगा, यहां पर समाज को वरीयता देने वाले रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम दोनों हैं, ये ध्यान रखिएगा, समाज उसके बाद व्यक्ति, लेकिन यहां पर व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक व्यवस्था किसने माना है, ये किसने माना है, मैलिनोस्की। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए है टाइलर, बेरिस्ट्रीड, मैलिनोस्की, सिडनी वगैरह। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्कृति की विशेषता कौन सी है। देखिए संस्कृति की विशेषता सीखा हुआ व्यवहार, राइट है, नहीं वाला पूछ रहा है, फिर सामूहिक आदर्श, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, राइट है, निरंतर चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद वो उसकी जो संस्कृति होगी, उसके जो सीखे हुए व्यवहार होंगे, उसके आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है, इस प्रकार से क्रमवार वन बाई वन सिक्वेंसियल क्या होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है और ये हस्तांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ओके, तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, सामूहिक आदर्श और परस्पर व्यापार, तो आपका संस्कृति में परस्पर व्यापार नहीं होगा। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका नहीं पूछ रहा है तो नहीं के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एक ऐसी धारणा है जिसे व्यक्ति अपनाते हैं और उसका क्या करते हैं। देखिए संस्कृति को फिर से व्यक्ति से जोड़ा है, तो संस्कृति फिर मैलिनोस्की यहां जाते हैं, ठीक है, संस्कृति को व्यक्ति से जोड़ा है और फिर व्यक्ति जब अपनाता है संस्कृति को तो उसका क्या करेगा, उपयोग करेगा ना, राइट, ध्यान रखिए उपयोग करेगा उसका, किसके लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ओके, तो मैलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिर्फ बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की क्या है, ठीक है, फिर मैलिनोस्की आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए मैलिनोस्की का, अगर आप मैलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम को अगर आप प्रकार्यात्मक संदर्भ में और संस्कृति के संदर्भ में अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। और संस्कृति के संदर्भ में प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण मूलतः दो है, रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की, ठीक है, तो मैलिनोस्की का स्टेटमेंट है ये क्या है, व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पहचान में शामिल है प्राचीन संस्कृति। देखिए जो बच्चों ने आज मॉर्निंग में जो मैं क्लास हम लोग हमसे किया था उन्होंने उनको मैंने प्राचीन सांस्कृतिक पहचान बताया भी था, शायद वो सुन भी रहे होंगे, वीडियो देख भी रहे होंगे, तो वो जरूर ये चीज देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस मैंने अभी वो डिस्कस भी किया था उनके सामने कि सर सहिष्णुता का मतलब क्या होता है। सहिष्णुता में होता है आपसी भाईचारे की भावना, उदारता यानी लिबर्टी और उसके साथ साथ भाईचारे का जो बंधुत्व की जो भावना होती है व्यक्ति में, व्यक्ति के बीच में वो होती है सहिष्णुता, ठीक है, एक दूसरे की, और सहिष्णुता का ही पार्ट होता है समन्वय। तो समन्वय सहिष्णुता जब आपको ये पता चल गया प्राचीन संस्कृति इसकी क्या है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। संस्कृति पहचान, संस्कृति पहचान क्या होती है, आपको पता होगा किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति से बनने वाले समूह, किसी समूह विशेष का क्या होता है, एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति के आधार पर उस समूह की क्या होती है, पहचान निर्धारित होती है, वही सांस्कृतिक पहचान होती है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6th 7th क्वेश्चन, इसको हम इरेज कर देते हैं, आपने आई होप लिख भी रहे होंगे नोट्स की अपनी आगे, ठीक है, तो और नोट्स के सामने आप लिख रहे हैं आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए अधिक से लोगों को, कमेंट किसी का नहीं आता है, ठीक है, कोई फीडबैक नहीं आती है कि सर कैसा लग रहा है, कैसा क्या है, कितना यूजफुल है हमारे लिए, कोई कुछ नहीं, ठीक है, बस आपको बस यूज कर रहे हो बस चीजें, ठीक है, तो ध्यान दीजिए सब पे ध्यान दीजिए, ये सब सारे ये सब भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ, ठीक है, अगर निरंतर आपको वीडियो लेते रहना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th है, निम्नलिखित संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका सदैव होता है, संस्कृति
संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जिसका सदैव होता है, पहला ऑप्शन है आदान प्रदान, बी निर्धारण, सी हस्तांतरण, डी नियमन। ओके, तो संस्कृति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका सदैव होता है। देखिए, आदान प्रदान होता है, निर्धारण होता है, हस्तांतरण होता है और नियमन होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सार्वभौमिक संदर्भ में अगर आप देखोगे तो सार्वभौमिक प्रक्रिया ही यस बिल्कुल सही है, क्योंकि संस्कृति सब में बटी होती है, मतलब संस्कृति सबकी होती है, अपनी अपनी संस्कृति सबकी होती है और इसका सदैव क्या होता है, जैसे कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो इसमें यानी हस्तांतरण का गुण उपलब्ध है, यानी ये कभी इसका जो प्रोसेस है कभी वो बंद नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक व्यक्ति है तब तक ये चलता रहेगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा, हस्तांतरण का गुण, सदैव इसमें क्या होता है, हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है, सदैव हस्तांतरण होता है, आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाला क्वेश्चन, संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है जिसमें शामिल है, संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है जिसमें शामिल है, पहला ऑप्शन है ज्ञान, बी आचार विचार, सी कानून और डी है सभी। ओके, तो ये है संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है जिसमें शामिल है ज्ञान आचार विचार कानून, इसमें सब शामिल है। ठीक है, मैं अभी आपको पीछे आपको व्याख्या में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृति का निर्माण होता है, ए ऑप्शन है नियमों से, नियमों से, बी ऑप्शन है कार्य प्रणाली से, सी ऑप्शन है संस्कारों से, और डी ऑप्शन है सामूहिक आदर्शों से, देखिए संस्कृति का निर्माण होता है नियमों से, कार्यप्रणालियों से, संस्कारों से, सामूहिक आदर्श से। देखिए संस्कृति का अगर आपको निर्माण अगर आप देखा जाएगा तो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कार्य व्यवहार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य प्रणाली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, संस्कृति व पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित अवधारणा है, संस्कृति व पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित अवधारणा है,
जो पर्यावरण के साथ सिखाती है। ए ऑप्शन है चलना, अनुकूलन, तीसरा है प्रतिकूलन, संघर्ष। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है संस्कृति और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित है, अवधारणा है जो पर्यावरण के साथ सिखाती है। क्या सिखाती है? पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ चलना, अनुकूलन, प्रतिकूलन, संघर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन। यानी संस्कृति, संस्कृति के द्वारा हम ऐसे कार्य व्यवहार, ऐसे नियमों पर आधारित हम चीजों को सीख लेते हैं, जिन चीजों कार्य व्यवहारों का हम प्रयोग करके अपने जीवन को पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार, हम अपने आप को क्या करते हैं, चलना चलाना अपने जीवन को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। ठीक है, तो संस्कृति और पर्यावरण एक संबंधित अवधारणा है जो पर्यावरण के साथ सिखाती है क्या चीज, अनुकूलन। आई होप ये अच्छा लगा होगा। हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट आपको कल से वीडियो आपको फिर से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और सोशियोलॉजी और यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी जानकारी लो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।